और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी नहीं थम रही मुजफ्फरनगर की, महाभारत हार पर संगीत सोम संजीव बालियान में बयानबाजी। संजीव बालियान से जुड़े सवाल पर बोले संगीत सोम, संधना में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। तो संगीत सोम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये साफ तौर पर कहा गया है संधना में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हार का कारण मंत्री जी को खुद सोचना चाहिए, तो ऐसा संगीत सोम ने कहा है। उन्होंने कहा मंत्री जी अपनी विधानसभा बुढ़ाना भी नहीं बचाए, तो हार जीत को लेकर एक बार फिर से जो है सियासी बयार चल रही है और एक दूसरे पर बयानबाजी देखी जा रही है। जहां मंत्री जी अपनी विधानसभा बुढ़ाना भी नहीं बचा पाया, संगीत सोम ने संजीव बालियान को लेकर ये आरोप लगाए हैं और कहा जो है उन्हें खुद अपने घर में झांकना चाहिए क्योंकि वो अपनी विधानसभा बुढ़ाना नहीं बचा पाए हैं। और इसके साथ ही उन पर सभी लगाए गए आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया है। कल संजीव बालियान ने जो है संगीत सोम पर कार्रवाई की मांग की थी और अब इसको लेकर सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो दोनों आमने सामने हैं और बीजेपी के ये दोनों नेता, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, दो बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है स्तर, आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार करने गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है। वे मुजफ्फरनगर की जो सियासी महाभारत है वो थमने का नाम नहीं ले रही और बीजेपी के दो नेताओं के बीच ये रार देखी जा रही है। और लगातार बात करें तो संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच ये सियासी तकरार देखी जा रही, हार जीत को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के दोनों नेता आमने सामने हैं और चुनाव के बाद जो है बीजेपी के बीच ये अंतर्कलह देखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए और मेरठ से हमारे संवाददाता भी जो है शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले आशुतोष मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से जो है बयान, सियासी बयान देखी जा रही, रार तकरार की खबर सामने आ रही है और आज इसको लेकर संगीत सोम ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और साफ तौर पर जो है बालियान के जो आरोप लगे थे उसको लेकर करारा जवाब दिया है। आशुतोष आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बताइए जी। जिस तरीके से हम बात करें संजीव बालियान को आज जो है संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके आरोपों का करारा जवाब दिया है, क्या जानकारी मिल रही है? जी जिस तरह से ये चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से इस तरह से अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा के बीच में जो यहाँ से जो लोकल नेता है संजीव बालियान ने कहीं ना कहीं दिवाली जंग जो है वो शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इससे पहले संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता कर संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो उन्हें आज जो है संगीत सोम के द्वारा भी प्रेस वार्ता की और उन्होंने जो वार्ता की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, ना कि किसी कैंडिडेट के लिए काम कर रहे थे, और एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते जो उन्हें चुना है कि जिस तरह से करना चाहिए था, इतना विरोध होने के बाद भी उन्होंने अपने क्षेत्र से जो भाजपा कैंडिडेट था उन्हें हारने नहीं दिया, उन्हें बराबरी तक लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव करते हुए नजर है। और साथ ही साथ उन्होंने संजीव बालियान को भी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं टारगेट किया है कि वह अपने
जो काम काज है या जो उनका व्यवहार है उस चीज को लेकर वो अपने अपना मंथन करें कि वो चुनाव क्यों आ रहे हैं। जी जी शाहरुख, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो है देखा हमने कि लोकसभा चुनाव खत्म हुए और परिणाम भी सामने आ गए, लेकिन इसके बाद जब हार जीत की बात आई, बीजेपी को कड़ी हार मिली है उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद जो है पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह देखी जा रही है। बिल्कुल, जो ही मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार व्यापी माहौल इस टाइम गरमा रहा है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हमने सामने आ चुके हैं, लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक संजीव सोम ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में जो भी बयान उन्होंने संदीप बालियान ने आरोप लगाए थे उसका कटाक्ष करते हुए संजीव सोम ने कहा कि जो भी आरोप लगे हैं मेरे ऊपर वो सरासर गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता आ रहा हूँ। और वही संजीव सोम ने ये भी कहा है कि आरएलडी को लेकर के बड़ा बयान संजीव सोम ने कहा कि तो जब से आरएलडी भाजपा में आई है भाजपा को हर सीट से कई सीटों का नुकसान आरएलडी की तरफ से उठाना पड़ा है। ठीक हुई जी, आपके पास आशुतोष, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बालियान ने शायराना अंदाज में आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर मत हार किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा, और अब इसका जवाब जो है सोम की ओर से भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि समंदर को खुद तय करना है कि वो किनारे पर आएगा या नहीं आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी जंग शुरू हुई है, इसका और प्रभाव भी कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो लोकल विंग है मुजफ्फरनगर की उसमें भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और एक तरह से ये दोनों के बीच तपास शुरू हो गए, क्योंकि संजीव बालियान कह रहे हैं कि वो अभी उन्होंने हार नहीं मानी है, वो एक बार फिर वापसी जरूर करेंगे। और संजीव सोम जो है वो अपना बचाव भी कर रहे हैं, साथ ही साथ संजीव बालियान पर एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका जो जन आधार था उसमें कहीं कमी हुई जिसके चलते वो चुनाव हार हुई है। जी शाहरुख, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने संजीव बालियान ने आरोप लगाए थे, क्या उन्होंने इसकी जानकारी पार्टी के जो आला अधिकारी है, जो आला कमान ऊपर दर्जे के लोग हैं, उनसे दी थी? जी बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, संजीव सोम का ये कहना है कि किस तरीके से मीडिया के सामने संजीव बालियान इस बात को रख रहे हैं, ये घर का आपसी माहौल है, जो भी बात है पार्टी के हाईकमान के आगे रखी जाए, ऐसे मीडिया के सामने बात न रखी जाए। और इसमें संजीव सोम ने एक बयान भी जारी किया था जिसमें लेकर के आज संजीव सोम ने शेर पोस्ट किया है संजीव बालियान के लिए। उन्होंने कहा है कि माथे पत्थर पर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, समुंदर को क्या तय करना है जो उसको किधर जाना है। ठीक है जी आशुतोष, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालियान पर भ्रष्टाचार के सोम ने आरोप भी लगाए हैं और इसके साथ जो है अवैध संपत्ति को लेकर भी उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। जी देखिए, आज की प्रेस वार्ता में अगर संजीव सोम की हम बात करें तो उन्होंने काफी कुछ चीजें बोली है। संजीव बालियान के द्वारा जो संजना विधानसभा में तो उसमें काफी कुछ उन्होंने आरोप लगाए कि मुकदमे दर्ज कराए गए, उन्हें जेल भेजा गया, कोई विकास कार्य और वही जो उनके अपने क्षेत्र से जो उनकी अपनी विधानसभा जो मानी जाती है जैसे कि पुराना और चंपावल, उसमें उन्होंने काफी कुछ अपने दावे किए थे कि मैंने इतना विकास कराया, लेकिन वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस प्रेस वार्ता में साफ तौर पर खुलकर जो संजीव सोम थे उन्होंने पूरा निशाना संजीव बालियान का लिया है कि ये चुनाव वो उनकी वजह से नहीं आ रहे हैं, अपने ही कामों की वजह से आ रहे हैं। जबकि सरदार विधानसभा जहाँ उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, वहाँ के लोगों को जेल भेजा गया, वहाँ के लोगों को मुकदमे दर्ज किए गए, संजीव सोम ने यह कहा कि जो उनके लोग थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, उन्हें जेल भेजा गया, उसके बावजूद भी उन्होंने इस चुनाव में काफी कुछ मेहनत की और वहाँ से उन्हें हालांकि वो जीत विधानसभा से जीत कर तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार कर भी आगे नहीं बढ़े, वहाँ बराबरी कर रहे। जी आशुतोष, अगर हम बात करें संजीव सोम की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मंत्री जी अपनी विधानसभा बुढ़ाना भी नहीं बचा पाए हैं, वहां से भी उन्हें कहीं ना कहीं शिकस्त मिली है और इसके लिए उन्हें समीक्षा करने की जरूरत है। तो नहीं थम रही मुजफ्फरनगर की ये महाभारत और विधानसभा की बात करें तो बुढ़ाना भी नहीं बचा पाए हैं, ऐसा संजीव सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है संजीव बालियान को लेकर। और वहीं आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने भी संजीव सोम पर निशाना साधा है और उन्हें जय चंद कहा है। तो कई ना कई देखे जा रहे के बाद एक कई तरह के जो सियासी बयानबाजी है सामने आ रहे हैं और संजीव सोम को जय चंद बताया है।
और आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, क्या कहेंगे आप, क्यों जो है जयचंद बता रहे हैं इन्हें? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जब हुआ तो उसके बाद वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष नहीं बचा और पूरी तरीके से माननीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं ने हर सीट के ऊपर मेहनत करने का काम किया। हर सीट के ऊपर हमने इनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास किए। माननीय जयंत चौधरी जी के जहां जहां कदम पड़े वहां राष्ट्रीय लोकदल जीत के आया। बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, वहीं पे अगर हम पूर्वांचल की बात कर लें तो पूर्वांचल में जो अन्य सहयोगी थे हमारे वो उतनी मदद नहीं कर पाए शायद एनडीए की, परंतु उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि राष्ट्रीय लोकदल से उनको फायदा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है या तो फिर वो कहीं ना कहीं अपनी निजी कुंठा का शिकार है। तो इस तरीके से अगर आपको जयचंद संगीत सोम क्यों लगते हैं, आप इसका जवाब दें। नहीं, उन्होंने खुल के विरोध किया और अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर विरोध कर रहे हैं तो अगर जो व्यक्ति जिस पार्टी में रह रहा है उसी पार्टी का विरोध अगर वो खुल के कर रहा है तो उसके लिए और कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है भाई? उसको आप ही मुझे सजेस्ट कर दीजिए कि उसके लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है भाई। वो इस्तीफा दे दे पार्टी से अगर उनको इतनी तकलीफ है तो अपनी पार्टी से भाई, जब वो खुल के विरोध कर रहे हैं अपनी पार्टी की। क्या आपको ऐसा लगता है कि बालियान को जो है संगीत सोम ने हराया है? नहीं, संगीत सोम जी की अगर इतनी हैसियत होती हराने की बालियान जी को तो वो अपनी सीट जीत लेते पहले तो 2022 में। 2022 में तो वो अपनी खुद की सीट हार गए थे। तो जो व्यक्ति अपनी खुद की सीट हार गया हो और वो जवाब दें कि सरधना से वो तो आते हैं, किस आधार पर जयचंद कह रहे हैं सर? देखिए, वो बयान जो हमने दे दिया है मैं स्टैंड करता हूँ उस बयान के ऊपर और जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं अपनी ही पार्टी में रह के अपने ही कैंडिडेट का उन्होंने विरोध किया है और जिस तरीके से अपशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उस वह शोभा नहीं देता है। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनकी इतनी ताकत नहीं है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो ताकत है ही नहीं और जयचंद है दूसरी, तो दोनों बात आप खुद ही बोल रहे हैं। अब जयचंद तो ताकतवर नहीं था ना, जयचंद ने तो धोखा देने का काम किया था जो इतिहास के पन्नों में लिखा है, तो यही संगीत सोम जी ने किया है। तो आपकी नजर में संगीत सोम पार्टी को धोखा देने का काम किया है? तो आपकी नजर में संगीत सोम धोखेबाज है? नजर क्या, ये तो मीडिया की खुद की नजर है, मीडिया ने खुद चुनाव के समय ये चीज चलाई थी, ये तो खाली अकेले मेरी नजर नहीं है। और ये तो संजीव बालियान जी का भी बयान आ चुका है कि संगीत सोम जी द्वारा धोखा दिया गया है पार्टी को और उनका विरोध किया गया है खुल के। लेकिन मुजफ्फरनगर जितवाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी तो थी। तो हमने तो जितवाया ना, हमने तो पूरी कोशिश की और हमने तो हर तरीके से मदद की उनकी और हर तरीके से खुद जो वहां के प्रत्याशी थे संजीव बालियान जी उनके द्वारा कैसे हरवा दिया द्वारा, सुनिए मेरी बात सुनिए, संजीव बालियान जी द्वारा खुद कहा गया है कि माननीय जयंत चौधरी जी ने हर संभव प्रयास किया और हर संभव कोशिश की उनको जिताने के लिए और ईमानदारी से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने वहां पे प्रचार प्रसार किया, परंतु जब खुद भाजपा के अंदर ही जयचंद हो गए तो फिर वो कैसे आप जीतोगे? जब घर के अंदर ही दो ही बैठे हैं फिर आप कैसे सीट जीत सकते हो? फिर तो सीट जीतना संभव नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि संगीत सोम पर कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे इससे क्या लेना देना, वो उनकी पार्टी का अपना मसला है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को बयान दिया के खिलाफ बयान दिया जबकि जो कार्रवाई की, तो क्या आप चाहते हैं कि संगीत सोम के ऊपर बीजेपी की ओर से कार्रवाई की जाए? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी मामला है, मेरी कोई व्यक्तिगत संगीत सोम जी से कोई मेरा ना झगड़ा है ना लड़ाई है। मेरे उनके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और मुझे सिर्फ इस चीज का दुख है कि अपनी ही पार्टी में रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से अपनी पार्टी का विरोध किया जिसके कारण आज वो राष्ट्रीय लोकदल का नाम लेकर उसको कलंकित कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार जो है वार पलटवार का दौर भी जा रहे और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी भी बने हुए, आशुतोष जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरह से आरएलडी प्रवक्ता ने यहां तोड़ मरोड़ कर अपनी बातें रखी है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था कि दोनों नेताओं के बीच किस तरह से जो जुबानी जंग है ये शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच जो बीजेपी कार्यकर्ता है मोहन जो है उनके बीच काफी कुछ अब देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह से जो आज प्रेस वार्ता में जिस तरह से संगीत सोम ने रालोद के लिए जो बयान दिया है तो जो एक सहयोगी है ना कहीं ना कहीं उनका भी विरोध अब देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा ये जिस तरह से जो एक बयान आया है जैसे
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जैसे ही हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा मजबूती रखता है राष्ट्रीय लोकदल, और वहां पे एकमात्र विपक्ष भाजपा का था वो राष्ट्रीय लोकदल था, और जब पक्ष विपक्ष एक साथ आ गए तो वो मजबूती होना स्वाभाविक था। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस जिस सीट पे कदम रखा वो सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। जैसे कि कुछ सीटों के मैं नाम ले दूं, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का, जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था वो अपनी विधायकी भी हार गए थे, संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बंद के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। बढ़ते आगे, रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे राहुल गांधी सियासी गलियारों में, इस दौरे पर चर्चाओं का बाजार गरम। राहुल गांधी दे सकते हैं रायबरेली सीट रखने का संकेत, सोनिया प्रियंका के साथ तय कर सकते हैं बड़ा रोड मैप। तो ये जानकारी रायबरेली से सामने आ रही, रायबरेली राहुल गांधी पहुंचे हैं चुनाव जीतने के बाद पहली बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं और बताया जा रहा है सोनिया प्रियंका गांधी के साथ बड़ा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, रायबरेली सीट रखने का भी संकेत जो इस दौरान दे सकते हैं। तो सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म होता दिखाई दे रहा है और फिलहाल जो है राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं, जानकारी रायबरेली से सामने आ रही है। तो चुनाव जीतने के बाद पहली बार राहुल गांधी जो है रायबरेली पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि यहां जो है रायबरेली सीट रखने का संकेत दे सकते हैं, सोनिया प्रियंका गांधी के साथ बड़ा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। राहुल गांधी के आने के बाद साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव जीतने के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे और बताया जा रहा है सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के साथ जो है बड़ा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। तो वही चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार जो है पहला दौरा रायबरेली का है और सियासी गलियारों में जो है इस दौरे को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, रायबरेली जो है राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि भूए मऊ गेस्ट हाउस में राहुल गांधी पहली बार सांसद बनने के बाद पहुंचे हैं और उनके साथ में पूरा गांधी परिवार उनके साथ में है। प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो और अमेठी के सांसद के एल शर्मा जी उनके साथ में देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि रायबरेली में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उसमें लंबी लंबी लाइनें लगी है और अपने नेता को पहली बार देखने के लिए लोग कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्साहित है। आपको बता दें कि जैसा कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी का जीतने के बाद कमान संभाला था तो उसी के तहत वो आभार व्यक्त करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, यानी भाई राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं और के एल शर्मा जो अमेठी से सांसद हैं और पूर्व सांसद रायबरेली से जो सोनिया गांधी रही हैं उनके साथ में भूए मऊ गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं, जहां वो आभार व्यक्त करेंगी और कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगी। जी बताया जा रहा है राजू कि इस दौरान जो है प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि एक बड़े रोड मैप की तैयारी भी की जा सकती है। जी देखिए, जिस तरह से रायबरेली हकीकत में कहा जाए तो कांग्रेस की विरासत सीट है और उसी सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़कर एक बड़े
से अंतराल से चुनाव जीता है तो कहीं ना कहीं ये जो विकास का रफ्तार है उसको तेज करने के लिए कांग्रेस का पूरा ध्येय होगा और पूरा लक्ष्य होगा कि कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो धीमी न पड़ने पाए, रायबरेली और अमेठी की विरासत को बचाकर रखा जाए और धरोहर को बचाकर रखा जाए। तो इसी के तहत कहा जा सकता है कि रायबरेली और अमेठी दोनों के सांसद जी बिल्कुल राजू बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।